देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार वापसी करने वाले भारत के स्टार गेंदबाज आर अश्विन मुश्किल में फंस गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मैच में उनसे हुई गलती ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है और इस गलती के लिए उन्हें सजा भी मिल सकती है। दरअसल शुक्रवार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला था, जिसमें मुरली विजय के पवेलियन लौटने के बाद आर अश्विन को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजकर तमिलनाडु टीम मैनेजमेंट ने सबको चौंका दिया था। हालांकि वह सिर्फ 8 रन ही बना सके। इस दौरान आर अश्विन से यह गलती हो गई कि वह बीसीसीआई का लोगो लगा हुआ हेलमेट पहनकर घरेलू मैच में बल्लेबाजी करने उतर गए, जिसके बाद उन पर जुर्माना लग सकता है। हालांकि अश्विन पर जुर्माना लगाने का फैसला मैच रेफरी चिन्मय शर्मा करेंगे कि उन्हें जुर्माना लगाना है या नहीं, लेकिन नियमों के अनुसार अश्विन ने कपड़ों संबंधी नियमों का तोड़ा है, इसलिए उन पर जुर्माना लगना चाहिए। कपड़ों के संबंध के नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में नेशनल टीम वाला हेलमेट पहनना चाहता है जिस पर बोर्ड का लोगो लगा है, तो उसे लोगों को छुपाना पड़ता है। लंबे समय से मैच अधिकारियों को और खिलाड़ियों को इसके बारे में बताया जा रहा है और इसके बावजूद अगर कोई गलती करता है तो उस खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इस फाइनल में मयंक अग्रवाल भी नेशनल टीम का हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को टैप से छुपा रखा था। वहीं केएल राहुल ने बिना कोई लोगो लगा हेलमेट पहना था।